हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे होमोफोन्स के बारे में। होमोफोन्स जो होते हैं एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसकी प्रोनंसिएशन जो होती है वो सेम होती है, मतलब के ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनंसिएशन सेम हो पर उनकी स्पेलिंग और उनकी मीनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। ये मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं होमोफोन्स के बारे में। ये न्यू है, ये एक वर्ड है। इसकी होमोफोन्स जो होगी वो होगी NEW, मतलब के ये न्यू का मतलब है जानना और जाना, और ये न्यू का मतलब है जो नई चीज़ होती है। और ये फ्लावर है, फ्लावर, इसकी जो होमोफोन होगी वो होगी फ्लावर, फ्लावर, ये फ्लावर जो फूल होता है, और ये फ्लावर जो हम आटा खाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राइट। ये राइट का मतलब है लिखना, और इसका होमोफोन होगा राइट, RIGHT, राइट, मतलब के सही, राइट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है मीट। मीट मतलब मिलना, और इसका जो होमोफोन होगा वो होगा मीट, जो गाय का गोश्त होता है या बकरे का गोश्त होता है, मीट, मीट, मीट। अब ये दूसरा वर्ड है बेयर, इसका होमोफोन होगा बियर, बेयर, बेयर, बेयर। ये बेयर का मतलब है नंगा, और ये बियर का मतलब है रीश, रीश, ये नंगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेयरिंग, बेयरिंग, इसका होमोफोन होगा बेयरिंग, इस बेयरिंग का मतलब है नंगे होने का अमल, नंगे होने का अमल, नंगे होने का अमल, इस बेयरिंग का मतलब होगा असर, किसी भी चीज पर कोई असर हो उसको हम कहते हैं बेयरिंग। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोल्डर, बोल्डर, इसका जो होमोफोन होगा वो होगा बोल्डर, बोल्डर, इस बोल्डर की मीनिंग है बहादुर, बहादुर, इस बोल्डर की मीनिंग है बड़ा पत्थर। थैंक यू।